हर लड़की अपनी शादी में दी बेस्ट लगना चाहती है, और वो क्यों ना लगे, उसका बेस्ट डे है, उसका डी डे है। वो चाहती है कि सबसे सुंदर वही हो, सबकी नजरें उसी के ऊपर हो, और होनी भी चाहिए, आखिरकार वो दुल्हन है। जिसके लिए वो क्या करती है, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाना पसंद करती है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, सुंदर दिखने के लिए सिर्फ मेकअप की जरूरत नहीं होती है, आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक आपकी खुशी और दूसरा आपकी स्किन। अगर आप अपनी शादी से खुश हैं तो वो खुशी आपको आपके चेहरे पे अपने आप दिखेगी, और अगर आप चाहती हैं कि बॉलीवुड की हीरोइंस की तरह आपकी भी स्किन ग्लोइंग नजर आए, तो उसके लिए आपको अपनी स्किन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और वैसे बॉलीवुड की ही तरह क्यों, वो तो रियल लाइफ होती है, ये आपकी रियल लाइफ है, और आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आप दी बेस्ट लगे, तो उसके लिए आपको अपनी स्किन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहती हैं कि शादी में सब आपके ही बारे में बात करें, कि दुल्हन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, दुल्हन की बात ही अलग थी, तो आपको आज मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ। अगर आप इसको 2 से 3 हफ्ते के लिए यूज़ कर लेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा चमकदार और फ्लॉलेस दिखेगी आपकी शादी वाले दिन। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं नैना, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्री ब्राइडल स्किन के रूटीन शेयर करने वाली हूं, जिसको यूज़ करने से आपकी स्किन 2 से 3 हफ्ते के अंदर ग्लोइंग एंड चमकदार बन जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, प्री ब्राइडल स्किन केयर हो और उपटन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो हम अपनी शादी से 2 या 3 दिन पहले जो हल्दी की सेरेमनी करते हैं, उसके अंदर भी हम उपटन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक होममेड उपटन बता रही हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको आपके स्किन के टाइप ही बताऊंगी कि आपको इसमें क्या क्या यूज़ करना है। आपको यहाँ पर लेना है 2 छोटी चम्मच बेसन, 1 छोटी चम्मच चावलों का आटा, 1 छोटी चम्मच बार्ले फ्लावर यानी कि जौ का आटा, जो इजीली आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये उपटन आपका रेडी है। ये नॉर्मल स्किन वाले इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इसके अंदर ओट मिल पाउडर यूज़ करना है। ओट मिल पाउडर जो मार्केट में ओट्स मिलते हैं, आप उसको घर में ला के पीस भी सकते हैं मिक्सी में। और ड्राई स्किन के साथ साथ अगर आपको एक्नेस की भी प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पर लेना है 1/2 छोटी चम्मच नीम पाउडर। तो ड्राई स्किन वालों के लिए उपटन रेडी है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आपको इस उपटन के साथ लेना है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, वो भी 1/2 छोटी चम्मच। और अगर ऑयली स्किन के साथ साथ आपको एक्नेस की प्रॉब्लम है, अगर एक्नेस की प्रॉब्लम है तभी लीजिएगा 1/2 छोटी चम्मच नीम पाउडर। इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपको रोज़ वाटर मिक्स करना है तो आप रोज़ वाटर के साथ भी इसको मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप, और एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसको एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको दिन में एक बार यूज़ करना है, इसका अच्छे से पेस्ट बना के आपको 10 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है, और उसके बाद गुनगुने पानी से इसको वॉश कर लेना है। टिप नंबर 2, हम अपनी स्किन को बाहर से तो अच्छा बना ही रहे हैं, लेकिन कुछ पोषण हमें अंदर से भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने अपने चैनल पर एक स्किन ग्लोइंग ड्रिंक भी अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से आके चेक कर लेना। आपको जितना बाहर से ध्यान रखना है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको अपनी स्किन के लिए अंदर से ध्यान रखना है। अगर आप अपनी स्किन को अंदर से डिटॉक्सीफाई करेंगे तो उसका भी ग्लो आपके चेहरे पर दिखेगा। टिप नंबर 3, दुल्हन को बहुत शॉपिंग करने जाना होता है, उसके सिर पर एक भार होता है कि ये हुआ या नहीं हुआ, मेरे कपड़े सिले या मेरा मेकअप रह गया, मैंने ये लिपस्टिक नहीं परचेज करी, मैंने ये नहीं परचेज किया, मेरा ये रह गया, मेरा ऐसा पर्स, मेरी ऐसी ये, मेरी ऐसी वो। तो उसको जो है डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो ही जाती है, और वो अपने फियांसे से भी फ़ोन पे रेगुलर बेसिस पे इतनी बात कर रही होती है कि अपनी नींद को वो कंप्लीट नहीं कर पा रही होती है, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही होती है, तो जिसके वजह से उसको डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी मैंने एक रेमेडी आपको बताई है, वैसे मैंने अपने
चैनल पे एक और अपलोड कर रखी है, मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोई और टिप बता रही हूँ, आपको यहाँ पे लेना है आमंड ऑयल, जिसकी आपको 10 ड्रॉप्स लेनी है, और उसके अंदर आधी छोटी चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है, और आपको वाइटमिन ई के 2 कैप्सूल लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और किसी भी कंटेनर में इसको डाल के फ्रिज में आप रख सकते हैं। रात को सोते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पे इसको अप्लाई करना है और सो जाना है। टिप नंबर 4, लड़की की स्किन, दुल्हन की स्किन जितनी ग्लोइंग हो वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसके लिप्स काले रह जाएं तो वो बहुत ही बेकार लगते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जिससे आपके लिप्स सॉफ्ट भी होंगे और पिंक भी होंगे। तो आपको यहाँ पे लेना है बीटरूट जूस, बिल्कुल ज़रा सा लेना है, कम से कम सोच लीजिए आधी छोटी चम्मच से भी कम लेना है, और उसके अंदर आपको ऐड करना है शिया बटर। शिया बटर नहीं है तो आप ये मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बस आपको 2 पंप के करीब आपको लेना है, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी कंटेनर में सेव करके रख देना है। आप इसको 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, बस अपने जैसे आप एक लिप बाम अप्लाई करते हैं आप इसको उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपके लिए मेरी ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो हेल्पफुल रही हों। आप इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही या नहीं रही, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।